हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स और हिंदी मीडियम। अभी हम धारा का जो चुंबकीय प्रभाव का चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके 4 पार्ट हमने पढ़ लिया। ये 12th क्लास के फिजिक्स का, जैसा कि मैं आप लोगों से हर वीडियो में ये बात करता हूँ कि 12th क्लास के फिजिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा चैप्टर है, ज़्यादा वेटेज का चैप्टर है, सभी बोर्ड में इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कवर होता है। और आज हम इसके 5th नंबर के पार्ट को पढ़ेंगे और आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वह पूरे चैप्टर का सबसे क्रीम, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और 100% ऐसा कोई बोर्ड नहीं हो सकता हिंदुस्तान में जिसमें आज जो मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन न पूछे। आप समझ गए होंगे कि मैं इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पढ़ाने से पहले मैं आज के अपने पूरे सेशन का आपसे एक बार चर्चा कर लूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम संट, संट क्या होता है, फिर संट की सहायता से हम जो पिछले टॉपिक में हमने धारा मापी पढ़ा उस धारा मापी को विभव मापी में और अमीटर में, वोल्ट मीटर और अमीटर में सॉरी, किस प्रकार से कन्वर्ट करते हैं ये पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, जो कि हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आज का हमारा ये टॉपिक अब हम स्टार्ट करते हैं संट। सबसे पहले हम देखते हैं संट क्या है। देखिए, इसको इंग्लिश में भी संट ही कहा जाता है, हिंदी में भी हम संट कहते हैं और इंग्लिश में भी हम संट कहते हैं। हिंदी में कुछ नाम होंगे संट ही। संट का मतलब, संटिंग का मतलब होता है, एक्चुअल में हम एक सामान्य संट पर बात करें तो संटिंग का मतलब होता है डायरेक्शन चेंज करना। जैसे रेलवे में भी हम संटिंग, या कई जगह हम टेक्निकल वर्ड में संटिंग, मतलब जैसे कोई प्लेटफार्म में कोई ट्रेन आ रही है तो किस प्लेटफार्म में उस ट्रेन को लाना है ये संटिंग के हेल्प से ही किया जाता है, उसको उस तरह से उसे डाइवर्ट किया जाता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में संट का वर्ड का भी मीनिंग वही है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि संट एक्चुअल में होता क्या है। तो संट एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है। सबसे पहली खासियत इसका कि ये क्या होता है, निम्न प्रतिरोध का तार होता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी ये है कि इसको किसी भी डिवाइस के साथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये दो खासियत मैंने यहां पर लिखा और इसी से संट का परिभाषा बन जाएगा। इस प्रकार से हम देखो हम संट को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। एक निम्न प्रतिरोध का तार जिसे किसी परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है संट कहलाता है। मतलब इससे क्या बात क्लियर होता है कि संट वास्तव में एक प्रतिरोध तार है, कोई बड़ा डिवाइस नहीं है, ये एक सामान्य सा तार है। लेकिन वो अपनी दो खासियत रखता है, पहला ये कि उसका प्रतिरोध निम्न हो, बहुत कम हो, और दूसरी खासियत उसका ये कि जब भी इस तार को किसी परिपथ में जोड़े हम कैसे जोड़े, समांतर क्रम में जोड़े। बाय द वे हमारे पास निम्न प्रतिरोध का तार है लेकिन हम किसी डिवाइस के साथ उसको श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो फिर वो संट नहीं कहलाएगा, फिर वो सामान्य तार है। क्लियर, तो इस प्रकार से यहाँ पर हम ये बात क्लियर करते हैं कि ये इसका, इसी से इसका परिभाषा हम कर लेते हैं कि यही इसका परिभाषा हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, एक निम्न प्रतिरोध का तार जिसे किसी परिपथ के साथ सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्या कहलाता है, संट कहलाता है। क्लियर, ये हो गया संट की परिभाषा। अब हम पढ़ते हैं संट का सिद्धांत कि भाई संट किस सिद्धांत पर काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसमें क्या सिद्धांत लागू होता है। देखो सिद्धांत, इसके सिद्धांत को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम एक सर्किट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर हम एक सर्किट बनाते हैं, ये एक धारा मापी है, ये एक गैल्वेनोमीटर है और इस गैल्वेनोमीटर में हमने सपोज आई धारा प्रवाहित किया। अब यदि इस आई धारा को पूरे गैल्वेनोमीटर से होकर हम प्रवाहित कर दें तो हो सकता है धारा का मान अधिक होने के कारण ये जो गैल्वेनोमीटर है, दैट मीन्स विभव मापी है, पीछे चैप्टर में हमने पढ़ा, इसकी पढ़ाई की है, निलंबित कुंडली, किलकित कुंडली आपने पढ़ा है, धारामापी सॉरी, तो धारामापी का, यदि इस धारामापी पर हम ज़्यादा धारा प्रवाहित कर दें तो डैमेज हो सकता है और ख़राब हो सकता है। तो इसकी सुरक्षा के लिए इसके साथ
इसकी सुरक्षा के लिए इसके साथ इस प्रकार से हम समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं S, इस प्रकार से। तो हमने यहाँ से देखो संटिंग मतलब हमने डायरेक्शन चेंज कर दिया कुछ करेंट का, यही संट है। अब यह संट कहलाता है। देखिए इसकी दो खासियत मैंने ऊपर लिखा हुआ है, निम्न प्रतिरोध का तार हमने माना। दूसरा देखो इसके साथ हम इसको किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं। अब यहाँ पर हम सपोज मान लेते हैं कि ये जो आई धारा है वो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड होता है। संट से बहने वाली धारा मान लो हमने आई एस मान लिया, और गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाली धारा है यहाँ पर इसको हमने सपोज मान लिया आई जी, और कैपिटल जी क्या है, इस गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। तो ये एक छोटा सा सर्किट है संट का। अब हम यहाँ पर देखते हैं कैलकुलेशन इसका। तो देखो चूंकि यहाँ पर कुल धारा आई ये बराबर हो जाएगा दोनों धारा के योग के बराबर हो जाएगा, आई जी प्लस आई एस, सपोज दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। ये दोनों करेंट यहाँ जाके पुनः ये आई करेंट हो जाएंगे, क्लियर। ये मैं कैलकुलेशन अब स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखिए तो सबसे पहले हम दोनों का धारा लिख लेंगे। अब चूंकि वी जी यहाँ पर क्या है, गैल्वेनोमीटर का विभव, तो विभव इक्वल टू वी इक्वल टू आई इंटू आर होता है ओम्स लॉ से। तो इसमें बहने वाली धारा क्या हो जाएगा, आई जी, और इसका प्रतिरोध क्या, जी। तो ओम्स लॉ से लिख सकते हैं वी इक्वल टू आई इंटू आर, यहाँ पर जी क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध है। इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं आई वी एस, सॉरी ना वी एस मतलब संट का विभव अपन लिखते हैं, तो उसको लिख सकते हैं वी एस इक्वल टू हो जाएगा आई एस इंटू एस, यहाँ पर एस क्या है, संट का प्रतिरोध है। अब यहाँ पर यदि देखा जाए, यहाँ पर हम देखें तो चूंकि वी जी बराबर वी एस क्यों हो जाएगा, दोनों का विभव बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों यहाँ किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। हमको एक कॉन्सेप्ट पता है कि जितने भी डिवाइस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने भी डिवाइस समांतर क्रम में जुड़ते हैं सब के विभव क्या होते हैं, नियत होते हैं या कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर देखो ये दोनों का जो विभव है आपस में बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों आपस में कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। दैट इम्प्लाइज आगे इसको हम सॉल्व करें तो वी जी का वैल्यू यहाँ से अपन पुट कर देते हैं, तो यह हो जाएगा आई जी इंटू कैपिटल जी इक्वल टू आई एस इंटू एस। अब यहाँ से हम आई जी को इसके साथ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो यह हो जाएगा आई एस अपान आई जी, और इसको इधर ट्रांसफर कर लेते हैं तो हो जाएगा जी अपान एस, मतलब धारा को एक तरफ कर लिए, प्रतिरोध को दूसरी ओर कर लिए। दैट इम्प्लाइज अब इस संबंध के दोनों ओर एक जोड़ देते हैं, तो यह हो जाएगा आई एस अपान आई जी प्लस वन इक्वल टू, यह हो जाएगा जी प्लस एस प्लस वन। हमने क्या किया, दोनों पक्षों में एक जोड़ दिया। दैट इम्प्लाइज अब इसके यदि हम लघुत्तम निकाल लें तो लघुत्तम हो जाएगा आई जी, और यहाँ पर अपने को मिल जाएगा आई एस प्लस आई जी। उसी तरह से राइट हैंड साइड में एस लघुत्तम होगा तो हो जाएगा जी प्लस एस, क्लियर। दैट इम्प्लाइज इसको आगे और सरल करें तो रिलेशन फर्स्ट से देखो आई एस प्लस आई जी किसके बराबर है, कुल धारा के बराबर है, तो उसको हम लिख सकते हैं कुल धारा आई इक्वल टू आई जी प्लस जी प्लस इक्वल टू जी प्लस एस अपान एस। और आगे इसको हम यदि आई जी के लिए सॉल्व कर लें तो इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर आई जी इक्वल, आई जी को मैं इधर ट्रांसफर कर रहा हूँ और इस पोर्शन को इधर, तो आई इंटू एस अपान ये हो जाएगा आई इंटू एस अपान जी प्लस एस। यहाँ पर एक फार्मूला निकलता है, ये एक्चुअल में धारा मापी से बहने वाली धारा का फार्मूला है, ये सिद्धांत नहीं है, लेकिन कई बार न्यूमेरिकल में हमको इस फार्मूला का जरूरत पड़ता है, इसलिए बीच में मैंने उसको हाईलाइट कर दिया। इस फार्मूला की सहायता से हम ये बता सकते हैं कि धारा मापी से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, गैल्वेनोमीटर से कितना धारा प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ पर सपोज कर लें अपन, यहाँ पर मान लें कि माना कि कुल धारा का nवां भाग
एंथ भाग धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है, धारा मापी से प्रवाहित होता है, ये हमने मान लिया। सपोज कि हमारे पास जो कुल धारा है उसका एंथ पार्ट एनवा भाग ही धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअल में हम देखें, इस लाइन को आप थोड़ा ध्यान समझना, यहाँ पर हम कुल धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं और धारा मापी से उसका आई जी पार्ट प्रवाहित हो रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ पर कितना पार्ट प्रवाहित हो रहा है, आई जी अपान आई, इतना पार्ट क्या होगा धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि आई जी अपान जो आई है वो हमने क्या सपोज कर लिया है, वह कुल धारा का एनवा भाग है सपोज कर लिया है। वास्तव में इतना भाग धारा मापी से प्रवाहित हो रहा है जो कि मान लिया गया है कि वह एनवा भाग है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू वन अपान एन लिख सकते हैं। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ से देखो आई जी अपान आई, ये आई अपान आई जी है, हमको आई जी अपान आई लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, पलट देंगे, तो इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, यह हो जाएगा एस अपान जी प्लस एस इक्वल टू वन अपान एन। यहाँ पर इसको उलट के पुट कर दिया गया है इसका वैल्यू। दैट इम्प्लाइज, अब यहाँ पर हम तिरिया गुणा कर लें इसका इसके साथ, एन इंटू एस इक्वल टू हो जाएगा जी प्लस एस। दैट इम्प्लाइज यहाँ से हम यदि एस का वैल्यू निकालना चाहें तो इसको इधर ट्रांसफर कर लें, पहले इस एस को इधर ट्रांसफर कर लें और कॉमन कर लें, तो हो जाएगा एन माइनस वन इक्वल टू जी। दैट इम्प्लाइज एस इक्वल टू हो जाएगा जी अपॉन एन माइनस वन। ये होता है संट का फार्मूला। इस प्रकार से देखो ये जो संट है वो जी अपॉन एन माइनस वन के बराबर होगा, और यही क्या है एक्चुअल में, यही संट का सिद्धांत है। अब इस सिद्धांत को हम शब्दों में कैसे कहेंगे, इस सिद्धांत को मैं शब्दों में कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। किसी संट का प्रतिरोध धारा मापी के प्रतिरोध का एन माइनस वनवा भाग होता है। देखो भाग मतलब उसका भाग हो रहा है इसमें, एन माइनस वन पार्ट। संट का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध का एन माइनस वनवा भाग होता है, जहां एन धारा मापी से प्रवाहित धारा का कुल भाग है। ये हमको बताना पड़ेगा कि एन क्या है। एन को हमने क्या माना है, एन को हमने माना है वह भाग, वह पार्ट ऑफ द करेंट विच इज फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, धारा का वह भाग जो गैल्वेनोमीटर से क्या हो रहा है, प्रवाहित हो रहा है। क्लियर? तो ये संट का सिद्धांत कहलाता है। नोट्स जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हम सिद्धांत को यहाँ पर शब्दों में लिखेंगे। वैसे आपको तो मेरा पीडीएफ प्रॉपर मिल रहा होगा, चैप्टर वाइज मैं डालते जा रहा हूँ, तो वहाँ से आप तो नोट्स कंसीडर कर सकते हैं। कई स्टूडेंट्स को नोट्स में प्रॉब्लम आता है, मुझे कमेंट्स करते हैं, तो नोट्स आपको मिलेगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पर, सब में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाके उसको ओपन करिए, वहाँ से आपको नोट्स मिलेगा। कुछ चैप्टर के नोट थोड़ा सा लेट अपन उसमें डाल पाते हैं, मैं आपको कारण बता चुका हूँ कि हम नोट्स कैसे पैरेलल बना के। इंग्लिश मीडियम के तो वीडियो भी एडवांस में बनाए जा चुके हैं चैनल पर और उसके नोट्स भी अपलोड हो चुके हैं, हिंदी मीडियम में उसके पीछे पीछे कवर करा रहे हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारा संट और संट का सिद्धांत। ये टॉपिक एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है देखिए, अब हम पढ़ेंगे धारा मापी का रूपांतरण। हमारे पास जो धारा मापी होता है उसको हम किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, धारा मापी का रूपांतरण मतलब हम धारा मापी को कैसे बदलते हैं। क्लियर? कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का कन्वर्शन, धारा मापी का रूपांतरण। तो यहां पर मैं कंपेरेटिव आपको बता रहा हूं कि धारा मापी को हम कैसे बदलते हैं, किसमें बदलेंगे अपन इसको। हम दो चीजों में बदलेंगे, एक अमीटर में, धारा मापी का
और मीटर में, और दूसरा वोल्ट मीटर में। अमीटर में, वोल्ट मीटर में। यहां पर हम कंपैरेटिव पढ़ेंगे भी कि अमीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है। और ये जो चार्ट आपको कंपैरेटिवली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ छोटे छोटे फार्मूला डिराइव होंगे, वो न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और बेसिकली इसके जो पॉइंट्स, इस पर जो हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये देखें पहला पॉइंट कि हम धारा मापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं। तो धारा मापी को अमीटर में बदलने के लिए हम कम प्रतिरोध का तार, हम कम प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ये दैट मीन्स एक शब्द में कहें तो क्या जोड़ते हैं, शंट, जो अभी हमने पढ़ा है। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, कम प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा मापी किसमें बदल जाता है, अमीटर में बदल जाता है। क्लियर। तो इसका हम एक सर्किट बनाए छोटा सा, जो भी हम पढ़े हैं सेम वही टॉपिक दोबारा एक तरह से रिवाइज करा रहा हूं मैं। ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें यहां से हमने शंट लगाया था, ये अभी सर्किट पढ़े हैं अपन। टोटल बहने वाली धारा आई है, यहाँ से बहने वाली धारा आई एस है, इसका प्रतिरोध एस है, यहाँ से बहने वाली धारा आई जी है। तो दोनों के विभव समान होते हैं। यहाँ पर हम एक छोटा सा फार्मूला डिराइव करेंगे, यहाँ मैं इस फार्मूला पर डिराइव करता हूँ। देखिए, चूंकि अपने को पता है आई जी इंटू जी इंटू आई एस इंटू एस इक्वल टू आई जी इंटू जी, अभी मैंने आपको बताया, चूंकि दोनों के विभव क्या है, समान होते हैं क्योंकि समांतर क्रम में होते हैं। और यहाँ से हम इसको सॉल्व करें, दैट इम्प्लाइज, तो संट के भी अपने को प्रतिरोध चाहिए, तो S इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ से आई जी इंटू जी अपॉन आई एस, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला की सहायता से हम संट का प्रतिरोध की गणना कर सकते हैं, संट के प्रतिरोध का हम गणना कर सकते हैं। कैसे, कि एक न्यूमेरिकल इस तरह से आता है, बहुत कॉमन न्यूमेरिकल है, जो आपको मैं आगे न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा भी। यदि किसी धारा मापी का प्रतिरोध जी है, उसमें बहने वाली धारा आई जी है, तथा संट में बहने वाली धारा आई एस है, तो उसे हम अमीटर में बदलने के लिए कितने प्रतिरोध का हम संट जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप उसके वैल्यू को पुट अप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो ज्ञात हो जाएगा। क्लियर। इस तरह से हम इस फार्मूला की सहायता से उससे बहने वाली धारा को ज्ञात कर सकते हैं। ये इस फार्मूला को थोड़ा सा और हम कन्वर्ट करना चाहें, तो चूंकि हमको पता है कि I इक्वल टू होता है आई जी प्लस आई एस, देयरफॉर यहाँ से यदि हम आई एस का वैल्यू निकालना चाहें तो आई एस इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आई जी, ये हो जाएगा। इस तरह से हमारा ये फार्मूला है, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, देयरफॉर S इक्वल टू आई जी इंटू जी अपॉन आई एस का जगह लिख सकते हैं I माइनस आई जी। देखिए, फार्मूला को हम कई तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, और हम न्यूमेरिकल्स में उसको अपने जरूरत के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या है उसको यूज करते हैं। सपोज आपको न्यूमेरिकल्स में आई जी आई एस और G दिया हो तो आप इसका यूज करेंगे, लेकिन सपोज हमारे न्यूमेरिकल में कुल धारा दिया हो कि कुल कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, वैसे ये फार्मूला ज़्यादा कॉमन है, और उसमें यह दिया हो कि गैल्वेनोमीटर से कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, इसका वैल्यू दिया हो तो हम इसका यूज़ करेंगे। क्लियर। तो ये एक फार्मूला है जिसकी सहायता से हम ये बता सकेंगे कि किसी भी धारा मापी को अमीटर बनाने के लिए कितने प्रतिरोध का संट जोड़ना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल है। क्लियर। मतलब आपको दे देगा कि हमारे पास एक धारा मापी है, उसका प्रतिरोध इतना है, कुल बहने वाली धारा इतना है, और गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाली धारा इतना एम्पियर है, तो उस धारा मापी को अमीटर बनाने के लिए कितने प्रतिरोध का संट जोड़ना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न का न्यूमेरिकल्स है, वो इस फार्मूला से
बनेगा। यह दोनों सेम फार्मूला है, यहाँ पर मैंने आई एस को बस क्या किया है आई माइनस आई जी में कन्वर्ट किया है। अब इसी के साथ में तुलनात्मक हम इसका पहला पॉइंट यहाँ पर पढ़ते हैं, कंपेरेटिव पढ़ा रहा हूँ मैं आपको एक एक करके ताकि आपको तुलनात्मक को याद रह सके। कम प्रतिरोध का तार तो यहाँ पर हो जाएगा उच्च प्रतिरोध का तार, उच्च प्रतिरोध का तार ठीक उल्टा काम, और इसको हम जोड़ेंगे किसमें, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे अपन उच्च प्रतिरोध का तार सीरीज में अपन जोड़ेंगे। मतलब इसका सर्किट कैसे हो जाएगा, ये और ये सपोज प्रतिरोध है और ये अपना गैल्वेनोमीटर है जी, इस तरह से ये आर है। अब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे, ये बन जाएगा उच्च प्रतिरोध के तार को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो ये जो आप सर्किट देख रहे हैं ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। अब मीटर की सहायता से हम करंट मेजरमेंट करते हैं और वोल्ट मीटर की सहायता से हम विभव की गणना करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी यदि हम प्रतिरोध का गणना करना चाहें तो यहाँ पर देखो सपोज इसमें आई जी धारा प्रवाहित हो रहा है सीधा, क्योंकि धारा तो इसमें कांस्टेंट होगा, धारा जितनी धारा इसमें प्रवाहित होगी उतनी धारा इसमें प्रवाहित होगी, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है धारा जो है कांस्टेंट होता है, क्लियर। तो ओम के नियम से यहाँ पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा दोनों सिरों में वी इक्वल टू हो जाएगा आई जी और इस परिपथ का कुल प्रतिरोध जो कि क्या होगा जी प्लस आर के बराबर होगा क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में है। दैट इम्प्लाइज इसको आगे हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पर जी प्लस आर इक्वल टू उसको इधर ट्रांसफर कर दिया जाए तो वी अपन क्या हो जाएगा आई जी। दैट इम्प्लाइज यहाँ आर का वैल्यू निकालना चाहें तो आर इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो वी अपन आई जी और माइनस जी, वी अपन आई जी माइनस जी। और ये जो फार्मूला हमने यहाँ पर निकाला है ये मैं इसको हाईलाइट करता हूँ इस तरह से, यही फार्मूला इसके प्रतिरोध की गणना के लिए, जैसे इस फार्मूला से कितने प्रतिरोध का संट लगाने से यह अमीटर बन जाएगा और इससे फार्मूला से हमको क्या पता चलेगा कि कितने प्रतिरोध का तार लगाने से यह जो गैल्वेनोमीटर है वो क्या बन जाएगा वोल्टमीटर बन जाएगा। यदि हमको यहाँ पर पता हो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध पता हो और इसका विभवांतर पता हो और इसमें से बहने वाली धारा का मान पता हो तो ये दोनों फार्मूला आप अच्छे से तैयार करके रखेंगे। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। तो जैसे आपको एग्जाम में पूछा कि किसी धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित करते हैं तो क्या लिखोगे आप, किसी धारा मापी के साथ कम प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर वह अमीटर बन जाता है और उसका प्रतिरोध इतना होता है। उच्च प्रतिरोध के तार को किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ने पर वह वोल्टमीटर बन जाता है और उसका प्रतिरोध इतना होता है। ये पहला पॉइंट है, क्लियर। इसके बाद इसके हम सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करें तो सेकंड पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यदि हमारे पास एक आदर्श अमीटर हो, आदर्श, इस पॉइंट से पहले एक मैं दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करता हूँ, ये पॉइंट भी बताऊंगा, लेकिन उसके पहले ये कि जब भी किसी भी परिपथ पर किसी भी परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। सेंटेंस आप कंप्लीट कर लेना, यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब मैंने क्या बताया आपको, मान लो हमारे पास अमीटर बन गया, यदि हमारे पास अमीटर है और उस अमीटर को यदि मेरे को किसी सर्किट में यूज करना है तो सर्किट में उसको सीरीज कॉम्बिनेशन में श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट इस समांतर को तैयार किए रहते हैं और इनके साथ कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखना ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ने का चीज़ है। कम प्रतिरोध के तार को समांतर क्रम में जोड़ने के बाद वह अमीटर बन गया है, लेकिन जब आप इस अमीटर को किसी भी परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, मान लो मेरे पास कोई अमीटर है और अमीटर को क्या करना है मेरे को किसी परिपथ में यूज़ करना है तो उसमें वहाँ पर मैं श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा। और यहाँ पर ठीक उल्टा काम होता है दूसरा पॉइंट, वोल्ट मीटर को वोल्टमीटर को
परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे कि आपका जो वोल्टमीटर होगा, वोल्टमीटर जब बन जाएगा तो वोल्टमीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब हम इस पर थोड़ा डिस्कस कर ले क्यों। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आ गया कि किसी परिपथ में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है क्यों, या क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछ दे कि यदि हम श्रेणी क्रम के बजाय समांतर क्रम में जोड़ दें तो क्या होगा, तो उसका आंसर क्या है। उसके लिए हम एक थर्ड पॉइंट को पहले पढ़ लें कि आदर्श, जो पहले बताने वाला था मैं, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है, आदर्श अमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह जीरो होता है, जीरो लिया जाता है। मतलब एक आदर्श, एक आइडियल अमीटर वो है जो निम्न प्रतिरोध का हो। ऐसा भी हम यहाँ पर देखो, निम्न प्रतिरोध, कम प्रतिरोध का तार जोड़ते हैं, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध को क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें जो आदर्श वोल्ट मीटर है, आदर्श वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है उसको अनंत होना चाहिए, अनंत होना चाहिए। ये पॉइंट आप याद रखना, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होना चाहिए और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए, तभी वो आइडियल वोल्ट मीटर। अब देखिए, सपोज हम किसी परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ने के बजाय समांतर क्रम में जोड़ दें, तो समांतर क्रम में जोड़ने से चूंकि वह क्या है, निम्न प्रतिरोध का तार है, तो उससे होके इतनी अधिक धारा प्रवाहित होगी कि हमारा अमीटर क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है, टूट सकता है। इसलिए हम उसको हमेशा किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर में जोड़ेंगे तो बहुत अधिक धारा उसमें से प्रवाहित हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, वोल्ट मीटर को हमेशा, आदर्श वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि यह क्या है, अनंत प्रतिरोध का तार है। यदि हम इसको समांतर क्रम में ना जोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़ दें, मान लो उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ दें, तो किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ देने से उसका प्रतिरोध इतना अधिक है कि संपूर्ण धारा को वो स्वयं यूज कर लेगा और आगे डिवाइस तक उसको जाने नहीं देगा। इसलिए हम उसको किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्लियर। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में सदैव समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और अमीटर को हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है और आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के क्वेश्चन में इसका अंतर भी तुलनात्मक पूछ सकता है या पॉइंट वाइज भी इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फाइनली ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट्स को, खासकर इसका जो पहला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी धारा मापी को अमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है, या किसी धारा मापी को वोल्टमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। तो एक लाइन में परिभाषा लिख के, सर्किट बना के, छोटा सा फार्मूला आप निकाल के बता दोगे। क्लियर। अब हम इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन पढ़ाने के पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी COVID-19 के कारण लगभग इंडिया में सभी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड, CBSE, ICSE बोर्ड ने नियर अबाउट 30% सिलेबस अपना डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस कर दिया सिलेबस। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर मुझसे इंक्वायरी करते हैं, ये बात मैं 2 मिनट आपको क्लियर कर दूं। वैसे मेरी प्लानिंग है कि इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, कुछ व्यस्तता के कारण नहीं बना पा रहा हूं, हो सकता है 1-2 दिन में मैं इस पर कंप्लीट डिस्कस। बहुत से स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज़न में है। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि COVID-19 के कारण, क्योंकि हमको सफिशियंट ड्यूरेशन अभी पढ़ने को मिला नहीं, फ्यूचर में भी पता नहीं क्या होगा, तो अभी फिलहाल 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया। लेकिन मैं जो वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वो 100% सिलेबस पर प्रोवाइड करा रहा हूँ, NCERT बुक, CBSE को कवर करते हुए। उसका कारण ये है कि इन फ्यूचर आने वाला जनरेशन हमारा ये वीडियो देखेगा, पढ़ेगा, तब सिलेबस फिर कंप्लीट 100% हो जाएगा, तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे यदि मैं टॉपिक छोड़ दूँ तो। तो इसलिए मैं वीडियो तो 100% बनाऊँगा। भाई, आपके आज के डेट में यदि आप कोई बुक परचेस करके मार्केट से लाएंगे तो बुक में 30% रिड्यूस सिलेबस के साथ आपको बुक नहीं मिलेगा, बुक को 100% मिलेगा। तो इसमें कन्फ्यूजन जैसे कोई बात ही नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे से रेगुलर इंक्वायरी करते हैं
कि सर आप 30% सिलेबस को हटा के वीडियो बना दीजिए। ये बहुत अजीब तर्क है आपका। आपके पास यदि मोर देन सफिशियंट कंटेंट्स है तो आप अपने सिलेबस के हिसाब से रिड्यूस करके पढ़ सकते हैं। सपोज मैं अभी साइक्लोटान आपको पढ़ा रहा हूँ, साइक्लोटान बाय द वे आपके सिलेबस में नहीं है, आप उसको मत पढ़िए। लेकिन नेक्स्ट ईयर साइक्लोटान फिर हमारे सिलेबस में होगा और मैं ना पढ़ाऊँ तो उससे स्टूडेंट्स के लिए तो प्रॉब्लम होगा, पहली बात। दूसरी बात, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करने वाले मेरे सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि आप केवल बोर्ड को ध्यान में रख के सिलेबस के हिसाब से मत चलिए। हो सकता है IIT JEE में सिलेबस में वो हो, नीट में वो सिलेबस में हो, तो आपको बड़ी परेशानी हो जाएगी। इसलिए आप नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई करिए, बाद में मार्क्स जब एग्ज़ाम आपके करीब होगा तो गवर्नमेंट जितना सिलेबस आपको बोलेगा इतना सिलेबस आप तैयार करके एग्ज़ाम में बैठ जाना। मैं नोट्स जो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ PDF में वो भी 100% है। आप अपने सिलेबस जिस जिस बोर्ड के आप स्टूडेंट हैं उस बोर्ड के अकॉर्डिंग आप अपने सिलेबस को उसे टेली करके एग्जाम के समय वो क्रॉस कर देना, वो टॉपिक तैयार मत करना एग्जाम के समय। लेकिन मेरा सजेशन अभी आप पढ़िए, ठीक है। तो साइक्लोटान बहुत से बोर्ड से हटा दिया, CBSE बोर्ड से हटा दिया साइक्लोटान को, इस साल 30% सिलेबस रिड्यूस किया। तो जनरली मैं CBSE बोर्ड को के कंटेंट्स को कवर करता हूँ, लेकिन आज के डेट में पूरा इंडिया में होमोजीनियस सिलेबस हो गया है। सभी स्टेट बोर्ड ने CBSE के अकॉर्डिंग उसको फॉलो किया है। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसके हिसाब से तो पूरा इंडिया का जो सिलेबस पैटर्न, स्टडी का पैटर्न, उसका सिस्टम, ब्लूप्रिंट सब एक होने वाला है, तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। आप उस हिसाब से पढ़िए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइक्लोट्रान। साइक्लोट्रान एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मज़ा भी आएगा, एक डिवाइस है, आप इसको पढ़िए, कम इसमें इंजॉय ज़्यादा कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। साइक्लोट्रान, हिंदी में भी साइक्लोट्रान और इंग्लिश में भी साइक्लोट्रान, क्योंकि एक डिवाइस का नाम है। अब देखिए साइक्लोट्रान जो बना है एक्चुअल में साइक्लोन वर्ड से बना हुआ है। साइक्लोन मतलब चक्रवात, तूफान। चक्रवात आप समझते हैं जब गोल 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 हवा घूमने लगता है उसको हम चक्रवात कहते हैं, जिसको इंग्लिश में साइक्लोन बोलते हैं। तो साइक्लोट्रान उसी से बना, उसी शब्द से बना हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पर किसी चीज़ को गोल गोल घुमाया जाता है, आगे मैं बताता हूँ कैसे घुमाया जाता है। तो साइक्लोट्रान एक्चुअल में एक डिवाइस का नाम है, और इस डिवाइस को बेसिकली बनाया गया किस पर्पज़ के लिए बनाया गया, आपने पीछे के मेरे चैप्टर में वान डी ग्राफ जनरेटर पढ़ा, वो भी अभी लेटेस्ट सिलेबस से हटा दिया गया है। वान डी ग्राफ जनरेटर का क्या काम था, हाई पोटेंशियल का, बहुत उच्च विभव का विद्युत विभव तैयार करना, लगभग 10 लाख वोल्ट का, और उसको किसी नाभिक में टक्कर कराना, उस पॉजिटिव पार्टिकल को नाभिक के साथ टक्कर कराना और उसको तोड़ना, मतलब नाभिकीय विखंडन करना, न्यूक्लियर फिजन करना, यही काम साइक्लोट्रान का। वो खतरनाक था, और ये क्या है, एक सिस्टमेटिक कम डेंजर कम रिस्क वाला इंस्ट्रूमेंट्स है। तो इसकी सहायता से भी हम क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को लाइक अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लाइक अल्फा कण, इस तरह के कणों को क्या किया जाता है, त्वरित किया जाता है, मतलब उसके त्वरण को बढ़ाया जाता है, और उसके त्वरण को इतना अधिक बढ़ा दिया जाता है कि बढ़ाने के बाद उसको हम जब बहुत अधिक गति में आ जाता है तो उसको हम न्यूक्लियस से टक्कर कराते हैं और उसको तोड़ते हैं। मतलब कुल मिला के यह डिवाइस क्या काम आता है, नाभिकीय विखंडन के काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इसका चित्र, और चित्र की सहायता से इसको समझते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। तो इसमें क्या होता है, देखिए ये मैग्नेट के दो पोल हैं जो इस तरह से कान के कटिंग हुए हैं, नाल चुंबक, पीछे मैं आपको पीछे का वीडियो आपने देखा होगा, सब समझा चुका हूँ, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, और इसके बीच में, इसके ठीक सेंटर में दो अर्धवृत्ताकार इस तरह से खोखला पार्ट होता है जिसको डीज बोला जाता है, डी के आकार का होता है जिसे डीज बोला जाता है, और इस तरह से खोखला होता है, जैसे मैंने हथेली को बनाया उसके अंदर कोई चीज़ घूम सकता है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह का चेन स्पॉकेट होता है, एक कवर, चेन स्पॉकेट मतलब उसका कवर जिसके अंदर वो चेन घूमता है, एग्जैक्ट आप इमेजिन कर लीजिए ऐसा कि इसके अंदर कोई चीज़ गोल गोल घूम सकता है। इसके बाद
इसमें से हम कनेक्शन लेके ये दोनों का कनेक्शन होता है एक प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम दोलित्र या दोलायमान करंट कहते हैं, इसके साथ इसका कनेक्शन होता है अल्टरनेटिंग करंट। प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा की खासियत क्या है कि ये एक हाफ साइकिल में प्लस दूसरे हाफ साइकिल में माइनस होता है, इसे हम इसका संपर्क कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये जो डीज होता है, ये डीज से हम एक पाइप बाहर निकाले रहते हैं, इस तरह से एक पाइप है और ये जो पाइप बाहर निकलता है इसमें एक डिफ्लेक्शन प्लेट होता है। ये एक प्लेट है। इसकी खासियत ये है कि ये ऋण आवेशित होता है। ये प्लेट क्या होगा, माइनस चार्ज पर होगा और यहाँ पर होता है टारगेट। ये टारगेट, टारगेट मतलब आप समझ गए जिस नाभिक को हमको तोड़ना है। इसके बाद इसके ठीक सेंटर में एक फिलामेंट होता है एफ। एफ एक फिलामेंट है और इस फिलामेंट में जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वहाँ से अल्फा पार्टिकल क्या होता है, उत्पन्न होने लगता है, बाहर निकलने लगता है। अब होता क्या है, इसके वर्किंग को आप समझिए। जैसे हम इसमें करंट सप्लाई करेंगे तो करंट सप्लाई करने से इसमें अल्फा पार्टिकल बाहर निकलने लगता है और ये जो डीज है, ये डीज डी वन है और ये डीज डी टू है। तो एक बार ये डीज डी वन पॉजिटिव होता है और डीज डी टू निगेटिव होता है इस तरह से, और अगले अर्ध चक्र में ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से जो अल्फा पार्टिकल निकलते हैं वो एक बार डीज डी वन में जाता है, फिर डी टू में जाता है, डी वन डी टू बारी बारी जाते जाते यह गोल गोल घूमता है। और जब यह इस प्रकार से इस दिशा में यह घूम रहा है और जब यह लास्ट ऑर्बिटल में पहुंचता है, अंतिम कक्षा में, तो ये क्या होता है, ये जो निगेटिव प्लेट है उसके संपर्क में आ जाता है और ये इसको तेजी से बाहर खींचता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है ये और ये क्या है, निगेटिव प्लेट है, और इस प्रकार से तेजी से बाहर खींच के ये उसको बाहर निकाल देता है और यहाँ जो टारगेट होता है उससे जाके कोलिजन करता है, वो टक्कर करता है। और चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो जाके उसके नाभिक के साथ में वो टकरा के नाभिक को तोड़ता है और इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन की क्रिया कंप्लीट होती है। तो ये है साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन का वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले यहाँ पर आप इसका सिद्धांत लिखेंगे कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो मैंने आपको बताया। मतलब यहाँ पर साइक्लोट्रॉन का कार्य क्या है, अल्फा पार्टिकल्स को त्वरित करना और उसके गतिज ऊर्जा को बहुत अधिक कर देना, और जब उसकी गतिज ऊर्जा बहुत अधिक हो जाए तो उसको हम बाहर निकाल के न्यूक्लियस के साथ क्या करते हैं, उसको टक्कर कराते हैं। ये हो गया हमारा साइक्लोट्रॉन और साइक्लोट्रॉन की कार्यविधि की क्या हम इसे करते हैं। अब हम इसमें गणना करेंगे, तो गणना इसमें हम किस बात की करते हैं, देखिए इसमें गणना दो तीन गणना है। सबसे पहले हम गायरो रेडियस का मतलब होता है वह जब लगातार अपने पथ को बदल रहा है तो लगातार इसकी त्रिज्या बदल रही है। देखिए सेंटर से स्टार्ट किया और धीरे 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 अपनी त्रिज्या को वो बढ़ाते गया, अंतिम कक्षा में आने के बाद वो बाहर निकल गया। तो यहाँ पर हम करेंगे इसकी गणना। गणना में सभी चर राशि को मानने के बाद, माना के लिखने के बाद, हम सबसे पहले निकालेंगे इसमें लारेंज बल। इसीलिए आपको लारेंज बल पढ़ाया गया था, पीछे के टॉपिक में पढ़ाते समय मैंने बोला था सब आगे काम आएगा। लारेंज बल क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक साथ काम कर रहे हैं और लारेंज ने बताया था कि ये दोनों क्षेत्र किसी आवेश पर एक साथ लगे तो उनके बीच में जो लगने वाला बल है लारेंज बल, वो क्या होता है, QVB साइन थीटा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर थीटा 90 डिग्री है, क्यों है, क्योंकि चुंबक के पोल को अवतल काटे गए हैं। जब ऐसा काटा जाता है तो चुंबकीय बल रेखाएं लंबवत होती हैं और थीटा 90 डिग्री, पहले भी डिस्कस मैं कर चुका हूँ। तो साइन 91 हो जाएगा, ये लारेंज बल हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल क्योंकि जब कोई भी पिंड वृत्ति गति करता है तो वृत्ति गति करने वाले पिंड में अभिकेंद्र बल उत्पन्न हो जाता है, तभी वह वृत्ति गति कर पाता है। तो अभिकेंद्र बल होता है mv2/r। देयरफॉर चूंकि अभिकेंद्र बल का स्रोत यही लारेंज बल है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों बल को आपस में बराबर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को बराबर कर दें तो mv2/r इक्वल टू हो जाएगा qvb। क्लियर, दैट इम्प्लाइज यहाँ से एक v को हम इसके साथ में
कैंसिल आउट करा दें और आर को इधर ट्रांसफर कर दें तो आर इक्वल हो जाएगा एम वी अपॉन क्यू इंटू बी, और इसको गायरो रेडियस, इसको गायरो रेडियस कहा जाता है, हिंदी नाम नहीं है इसका, गायरो रेडियस है आप इसको कहोगे, क्लियर। ये गायरो रेडियस कहलाता है, कभी एग्जाम में गायरो रेडियस पूछ दे तो यहीं तक बस निकालना है, या न्यूमेरिकल वगैरह में हमको उसको यूज़ होगा। वैसे ये उतना इंपॉर्टेंट फार्मूला नहीं होता, इसका आगे जो बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको पॉइंट पॉइंट उसको डिराइव करना है। तथा अब देखो, अब यदि हम इसका क्या निकालें, आवर्तकाल, यदि हम इसके आवर्तकाल की गणना करें तो आवर्तकाल टी बराबर वेग बराबर दूरी बटे समय होता है, तो समय बराबर दूरी बटे वेग। तो आवर्तकाल मतलब एक चक्कर में कितना वो दूरी तय करेगा, तो एक चक्कर में दूरी करेगा 2πr और बटे वेग है उसका क्या भी। तो इस पर अल्फा पार्टिकल जो वृत्ति गति कर रहा है उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टी इक्वल 2πr अपन भी। देयरफॉर यदि हम यहाँ पर आर के वैल्यू को ऊपर से ला के पुट कर दें तो टी इक्वल टू 2πr अपन भी, और R का वैल्यू कितना है यहाँ पर एम वी अपॉन क्यू इंटू बी, यहाँ से दोनों V कैंसिल हो जाएंगे तो दैट इम्प्लाइज T इक्वल टू हो जाएगा 2πm अपॉन क्यू इंटू बी, क्लियर। और इसलिए यदि हम इसकी आवृत्ति निकालना चाहें, फ्रीक्वेंसी, तो इसलिए आवृत्ति न्यू बराबर होता है 1 अपॉन T, क्योंकि आवृत्ति बराबर होता है 1 बटे आवर्तकाल। दैट इम्प्लाइज यहाँ से न्यू इक्वल टू एक बटे, मतलब इसका रेसिप्रोकल व्युत्क्रम कर देंगे तो व्युत्क्रम करने पर हो जाएगा क्यू इंटू बी अपॉन 2πm, और ये क्या है गायरो रेडियस, सॉरी गायरो फ्रीक्वेंसी। देखो गायरो का मतलब क्या है पहले आप समझ लो, यहाँ पर जो अल्फा पार्टिकल घूम रहा है उसकी त्रिज्या लगातार परिवर्तनशील है, क्योंकि वो धीरे 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 अपने केंद्र से दूर जा रहे हैं। तो गायरो रेडियस का मतलब वही परिवर्तित त्रिज्या है, परिवर्तनशील त्रिज्या है, क्योंकि नियत नहीं है, वो लगातार बदल रहा है। और गायरो फ्रीक्वेंसी का भी मतलब है कि जैसे जैसे वो क्या होगा केंद्र से दूर जाते जाएगा, तो हम जानते हैं कि कोई भी पिंड पर जब अभिकेंद्र बल लगता है और केंद्र से उसकी दूरी पर उसका वेग निर्भर करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होती है बदलती जाती है। मतलब ये दोनों परिवर्तनशील वैल्यू हैं, ठीक है, वेरिएबल वैल्यूज हैं। तो ये दो टॉपिक हुआ, लेकिन इसके बाद जो जनरली एग्जाम में पूछता है ये दोनों नहीं पूछता, ये पूछेगा तभी लिखना है, अदरवाइज एडिशनल टॉपिक है। तो एग्जाम में पूछता क्या है, अधिकतम गतिज ऊर्जा, मतलब जब वह अपने आखिरी ऑर्बिटल पर होता है तो जब उसकी ऊर्जा अधिकतम होती है उसका हमको गणना करना है, क्लियर। तो सीधा हम अब इसके मेन टॉपिक पर आते हैं, अधिकतम गतिज ऊर्जा की गणना। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा की जो गणना है वो कम्प्लीटली इसी गणना पर बेस्ड है, इसलिए मैं इसको पहले बता दिया आपको। तो हम यहाँ पर गणना कर रहे हैं किसका, अधिकतम गतिज ऊर्जा, अधिकतम गतिज ऊर्जा। अब अधिकतम गतिज ऊर्जा का मतलब क्या हुआ कि ये जो पार्टिकल है अल्फा पार्टिकल अपने आखिरी ऑर्बिटल में है, तो उस समय जो लॉरेंज बल होगा, उस समय जो लॉरेंज बल होगा उसमें उसका जो वेग है वो क्या हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पर एम ए एक्स लिख दो मैक्सिमम, मतलब अब उसका वेग क्या है मैक्सिमम है, बस इतना परिवर्तन करना है। यहाँ पर भी वी मैक्सिमम हो जाएगा क्योंकि वेग अब उसका अधिकतम है, और अब उसको स्मॉल आर ना लग के आप क्या ले लो कैपिटल आर ले लो। अब यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, यहाँ पर अंतिम कक्षा की त्रिज्या है, अब त्रिज्या नियत हो गया, पहले रेडियस गायरो था चेंज हो रहा था, लेकिन अब रेडियस क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करें तो सॉल्व बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तो देयरफॉर ये हो जाएगा एम वी मैक्सिमम स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू वी मैक्सिमम इंटू बी। दैट इम्प्लाइज अब हम इसको सीधा गतिज ऊर्जा बनाते हैं, तो गतिज ऊर्जा बनाएंगे, एक भी यहाँ से हम कैंसिल करा दिए और बाकी को उधर ट्रांसफर कर दिए, तो यहाँ से बच गया वी मैक्सिमम इक्वल टू यहाँ पर बचेगा क्यू इंटू बी, ये आर ऊपर चला जाएगा इंटू आर, और यहाँ पर आ गया क्या एम। अब इसको हमको गतिज ऊर्जा बनाना है, गतिज ऊर्जा माने 1/2 एम वी स्क्वायर बनाना है, तो हम दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग कर देते हैं, तो वी स्क्वायर
मैक्सिमम इक्वल इक्वल है क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर। दोनों पक्षों को हमने पूर्ण वर्ग कर दिया, दैट इम्प्लाइज अब दोनों पक्षों में मैं एक बटे दो का गुणा कर रहा हूँ तो हो जाएगा वन अपॉन टू वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन टू एम स्क्वायर। टू एम स्क्वायर में से एक एम को हम इधर ट्रांसफर करते हैं, एक एम को यही रख देते हैं, कुल मिलाकर हम इसको एडजस्टमेंट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी बनाने के लिए। तो हो जाएगा वन अपॉइंट टू एम वी मैक्सिमम स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉइंट टू एम। और ये होता है, अब इसको हम लिख सकते हैं मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ये है अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो इस प्रकार से जब ये जो पार्टिकल है अपने अंतिम कक्षा में होता है तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होता है। तो ये इसके गति अधिकतम गति ऊर्जा की गणना। एग्जाम में यदि आपको अधिकतम गति ऊर्जा की गणना करने बोले तो स्टार्टिंग में मैंने जो आपको जो गायरो रेडियस और गायरो फ्रीक्वेंसी निकालना उसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट का जो चैप्टर है वो कम्प्लीट होता है, क्लियर। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसका मेन चैप्टर का नाम है गतिमान आवेश तथा क्षेत्र, ये पांच वीडियो में हमारा यहाँ पर इसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। और इसका नेक्स्ट वीडियो आपको आएगा न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में, तो आप ये पूरा लेक्चर 1 से लेकर 5 तक के जो वॉल्यूम है उसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। ये बड़ा चैप्टर है, डेरिवेशन भी बहुत हैं, खासकर जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको मेरा सजेशन है कि आप सिर्फ वीडियो वॉच मत करिए, वीडियो को देखने के बाद मेरा नोट्स या आपके पास जो भी बुक है उसको रीडिंग करने के बाद कम से कम डेरिवेशन को एक बार आप लिख के ज़रूर देखिए। सिर्फ रीडिंग करने से या वीडियो देखने से हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन जैसे हम एग्ज़ाम में लिखने के लिए बैठते हैं तो उसमें हमको प्रॉब्लम आता है, इसलिए आपको लिख के देखना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।